वेलकम यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे HDFC बैंक के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। हालांकि इस बैंक का शेयर प्राइस 1 जनवरी 1999 को ₹5 पे था, 1 जनवरी 2008 को ₹180 पे था, 1 जनवरी 2018 को ₹1000 पे था और 1 फरवरी 2021 को ₹1640 के भाव पे था। गाइज, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो CAGR निकालना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में। हालांकि इसमें ऐसा होता है कि जो आपका प्रॉफिट ईयर के लास्ट में बनता है वो दोबारा उसी में इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए CAGR हमें निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा यहाँ पे वी बिगिन शेयर का इनिशियल प्राइस होता है, वी फाइनल शेयर का फाइनल प्राइस होता है, टी यहाँ पे टाइम पीरियड होता है जितने साल के लिए CAGR निकालना चाहते हैं। हालांकि CAGR जितने लंबे समय का हो वो बहुत अच्छा और एक्यूरेट रिटर्न माना जाता है। अब हम HDFC बैंक का CAGR कैलकुलेट करेंगे। इसका इनिशियल प्राइस ₹5 लेंगे, फाइनल प्राइस ₹1640 लेंगे और ये ₹5 से 1640 तक बनने में जो समय लिया है वो हम 22 ईयर लेंगे, जो इसका CAGR कैलकुलेट होके आता है 0.30 है और इसका ईयरली रिटर्न देखा जाए तो ऑलमोस्ट 30% रिटर्न निकल के आता है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर वैल्यू के बारे में। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अमाउंट को लंबे समय तक इन्वेस्ट करके उसका फ्यूचर में कितना रुपया मिलेगा वो चीज़ हमें यहाँ से पता चलता है। अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 21 शेयर का होगा HDFC बैंक में और बैंक का करेंट प्राइस ₹1414 है और हमारा टोटल कॉस्ट ₹29694 आएगा। हम इसे 25 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे जिसका ईयरली रिटर्न 30% है और इसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो गया आता है 2,09,53,303 रुपये। गाइज, आप ये रकम देखकर चौंक जाएंगे बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मुनाफा ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम बात करें तो 20 साल का इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है ₹56,43,333 और 15 साल के इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है ₹15,19,913 और 10 साल का इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है ₹4,09,357। तो गाइस, वो आपको तय करना है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब हम HDFC बैंक के फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। इस बैंक का मार्केट कैपिटल ₹7,80,174 करोड़ है और PB 3.83 के मल्टीपल पर मिल रहा है जो कि बहुत ठीक है। इसका ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 15.27 जो कि आउटस्टैंडिंग है दूसरे बैंक के मुकाबले। इसका PE रेशियो 25.06 है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो इसका PE रेशियो बहुत ऊपर जाएगा क्योंकि US में बहुत सारे स्टॉक का PE रेशियो 200 से ऊपर है, जैसे कि टेस्ला कंपनी का PE रेशियो ऑलमोस्ट 600 है। अब हम शेयर के होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हालांकि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं SBI ETF निफ्टी 50 ने ऑलमोस्ट 3.5% की हिस्सेदारी खरीद रखी है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने ऑलमोस्ट 40% की हिस्सेदारी खरीद रखी है और इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टिंग फर्म LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 3.5% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। तो गाइज, ये काफ़ी एक अच्छा संकेत है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे कि हम इसी बैंक में क्यों इन्वेस्ट करें। देखा जाए तो बहुत सारे बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, तो हम बड़े बैंकों से इसका कंपैरिजन करेंगे कौन सा अच्छा बैंक है। पहले हम HDFC और एक्सिस बैंक का कंपैरिजन करेंगे। HDFC बैंक का मार्केट कैपिटल 7,80,174 करोड़ है लेकिन एक्सिस बैंक का मार्केट कैपिटल 2,19,602 करोड़ का है जो कि HDFC बैंक से कम है और HDFC बैंक का रिटर्न ऑफ इक्विटी 15.27 है लेकिन एक्सिस बैंक का रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.48 है जो कि HDFC बैंक से कम है। और माना जाता है कि जितना ROE ज़्यादा हो उतना ही नेट इनकम ज़्यादा होता है और HDFC बैंक का EPS भी एक्सिस बैंक से ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो जिस बैंक का EPS ज़्यादा होता है उस बैंक का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम HDFC बैंक का कंपैरिजन ICICI बैंक से करेंगे। हालांकि देखा जाए तो HDFC बैंक का मार्केट कैपिटल 7,80,174 करोड़ है लेकिन ICICI बैंक का मार्केट कैपिटल 4,19,776 करोड़ है जो कि HDFC बैंक से कम है और HDFC बैंक का ROE 15.27 है लेकिन ICICI बैंक का ROE 10.98 है जो कि ROE HDFC बैंक से कम है और ICICI बैंक का EPS भी HDFC बैंक से कम है। अब हम HDFC बैंक और SBI बैंक का कंपैरिजन करेंगे। अगर देखा जाए तो HDFC बैंक का मार्केट कैपिटल 7,80,174 करोड़ है लेकिन SBI बैंक का मार्केट कैपिटल 3,19,679 करोड़ है जो कि HDFC बैंक से कम है। और अगर बात करें ROE की तो ये भी HDFC बैंक के ROE का आधा है
और ईपीएस भी एसबीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक का ज्यादा है। इन सारे बैंकों का कंपैरिजन करने से पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा है। अब मैं आपका एचडीएफसी बैंक के चार्ट के थ्रू परफॉर्मेंस को दिखाना चाहता हूँ। अब आप चार्ट के में देख सकते हैं कि 1 जनवरी 1999 को स्टॉक का प्राइस 5 रुपए के आसपास था, 1 जनवरी 2008 को स्टॉक का प्राइस 180 रुपए था, 1 जनवरी 2018 को स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए था और इस साल फरवरी के महीने में 1640 रुपए का हाई लगाया है। आप यहां पे देख सकते हैं स्टॉक पिछले कई सालों से बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है जो कि काफी एक अच्छा संकेत है। और मैंने जो भी डाटा कलेक्ट किया है वो मैंने स्टॉक के परफॉर्मेंस से कलेक्ट किया है। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.